बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। वेलकम करती हूं मैं आपको अपनी न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही प्यारे से खूबसूरत से फ्रॉक्स के डिज़ाइन लेकर आई हूं, जो बिल्कुल घर में बनने वाले हैं और आप बहुत ही आसानी से घर में बना सकते हैं। अगर आप स्टिचिंग जानती हैं तो आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आप इसमें से किसी भी डिज़ाइन को देख कर थोड़ी बहुत ही चेंजिंग करके अपनी प्यारी सी बच्चियों के लिए बना सकते हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी डिज़ाइन आपसे मिस ना हो। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरी वीडियो को इतना पसंद करते हैं। बस प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मुझे भी पता चले कि आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पुराने हैं तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं। जैसा कि हमारे कपड़ों में से बहुत सारे पीसेस साइड से बच जाते हैं, ट्राउज़र से बच जाते हैं, उनको आप बहुत ही अच्छा यूज़ कर सकते हैं फ्रॉक्स बनाने में। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप उसमें जॉइंट लगाकर फ्रॉक स्टिच कर सकती हैं या उसकी स्लीव्स बना सकती हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं आप कपड़े को यूज़ कर सकती हैं। आप यूट्यूब पर वीडियोज़ भी देख सकती हैं अगर आप स्टिचिंग सीखना चाहती हैं तो। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं कि जो भी मैंने फ्रॉक्स में ऐड किए हैं उसमें किसी में लेसेस का इस्तेमाल किया गया है, किसी में पिनचेक्स का इस्तेमाल किया गया है। हम लेसेस का भी यूज़ करके बहुत ही प्यारे से फ्रॉक बना सकते हैं। एंकर थ्रेड का यूज़ करके हम बहुत ही प्यारे से फ्रॉक बना सकते हैं। जिस हिसाब से हमारे पास कपड़ा बच जाता है हम उसी हिसाब से फ्रॉक बनाते हैं। बस मेरी वीडियो बनाने का मकसद आपको सिर्फ थोड़ा सा आइडिया देना है कि अगर आपके पास छोटे छोटे पीसेज हैं तो आप उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं और ख़ूबसूरत से फ्रॉक बना सकते हैं। अच्छा जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा, और लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।